गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश बड़ारिया। पहले की तरह ही आपके लिए लेके आया हूं क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हमने डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव और डे सिक्स कर लिया है। आज हमारा सेवंथ डे है। जी हाँ, हम लगातार जो हमारा सिलेबस है किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम सेट 2023 और नेट 2023 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। रेगुलर हमारी क्लासेस चल रही है और आज हमारा सातवां दिन है। हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए लगभग आज अपनी जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद कल से हम नई सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं। तो कौन से सब्जेक्ट चालू करनी चाहिए, कौन से नहीं, आप मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिलेगा और टेस्ट जरूर देते रहिए। ओके, तो आज हम क्या चालू करने वाले हैं, देखिए हमने क्या जो लेयर्स पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ ली हमने, लेयर्स पढ़ी है ना। लेयर्स आईएसओ की कितनी लेयर्स होती है, 7 लेयर्स। और मेरे ख्याल से अब आपको सारे नाम याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो आपको ट्रिक भी मैंने बता दी, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा और ये मैंने ट्रिक आपको बता रखी है। तो जो कुछ प्रोटोकॉल्स बच गए थे उनके बारे में हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ, किस किस तरह से क्वेश्चंस आता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोटोकॉल्स लिख लेते हैं हम। ओके, तो डेटा लिंक लेयर के ऊपर जो प्रोटोकॉल्स थे वो तो हमने पढ़ ही लिए। कौन से, अलोहा के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अलोहा के दो होते हैं, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। ओके, फिर हमने CSMA के बारे में पढ़ लिया। CSMA के बारे में हमने /CD और /CA, कोलिजन डिटेक्शन, कोलिजन अवॉइडेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारी लेयर है, नेक्स्ट हमारी कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर। तो मेरे ख्याल से आप सभी को मज़ा आ रहा होगा, अगर आप कंटिन्यूस वीडियोस देख रहे हैं तो आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो देख पा रहे हो कि काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, ठीक है। तो देखिए नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन कौन से प्रोटोकॉल हमें देखे थे, IP प्रोटोकॉल के बारे में आप जानते ही हो। ओके, फिर इसके अलावा देखिए ARP की फुल फॉर्म क्या है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना। दूसरा कौन सा आप है, RARP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका क्या काम है, मैक एड्रेस को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। ओके, RARP, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे ICMP जो प्रोटोकॉल था, ICMP प्रोटोकॉल, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही करवा चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद चलिए हमारी नेक्स्ट जो लेयर है उसके अंदर हम चलते हैं, एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसका क्या काम है आप बताइए मेरे को, डोमेन नेम सिस्टम का क्या काम है, ये क्या करता है आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस के अंदर कन्वर्ट करता है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे आपके पास प्रोटोकॉल होता है HTTP, ये प्रोटोकॉल ध्यान रखना आपका स्टेटलेस होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटलेस होता है। और ये भी दो तरह का होता है, परसिस्टेंट, दो प्रॉपर्टी शो करता है, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब कंटिन्यूस और ये नॉन कंटिन्यूस, कहने का मतलब ये है जब भी HTTP क्या करेगा, कोई रिक्वेस्ट बनाएगा, अगर वो परसिस्टेंट रिक्वेस्ट बनाता है तो एक ही कनेक्शन के ऊपर वो क्या कर सकता है, बार बार मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है।
पर अगर नॉन परसिस्टेंट है तो हर एक काम के लिए उसको अलग अलग बार बार कनेक्शन बनाना पड़ेगा। किसके साथ? सर्वर के साथ। ये सर्वर है, क्लाइंट है, ये सर्वर ये क्लाइंट है। परसिस्टेंट के अंदर क्लाइंट से सर्वर के साथ एक बार कनेक्शन बना सकता है और बार बार फिर वो क्या कर सकता है, डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। पर नॉन परसिस्टेंट के अंदर क्लाइंट और सर्वर के बीच में बार बार उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। फिर देखिए एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ओके। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोप थ्री, क्या हो जाएगा ये, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये क्या काम आता है, मैसेज को पुश करने के लिए। ये क्या काम आता है, मैसेज को पुल करने के लिए ओके, पुश करने के लिए, पुल करने के लिए। तो ये जो मैसेज भेज पाता है वो किस तरह के भेज पाता है, टेक्स्ट बेस मैसेज भेज पाता है। फिर इसी के साथ एक और होता है एसएमटीपी के साथ एमआईएमई, क्या इसकी फुल फॉर्म, मल्टी पर्पस इंटरनेट मेल एक्सचेंज। यस, एसएमटीपी की तरह ही वर्क करता है, पर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, ये ऑडियो वीडियो इमेज फाइल को सपोर्ट करता है। ये क्या एडवांस है, एसएमटीपी का एडवांस है, एमआईएमई है ना, ये ऑडियो वीडियो इमेज इस तरह के जो मेल है उनको भी, इस तरह के जो मैसेजेस हैं उनको भी भेज सकता है। एसएमटीपी प्योर टेक्स्ट भेजते, ध्यान रखना ओके। फिर यहाँ पर जैसे पोप थ्री है उसी प्रकार यहाँ पर आईमैप है, क्या है, आईमैप इंटरनेट मेल, यहाँ पे क्या है, आईमैप इंटरनेट मेल एक्सचेंज प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेट मेल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, क्या है, इंटरनेट मेल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पोप थ्री और आईमैप के अंदर डिफरेंस क्या है, देखिए सबसे पहले पोप थ्री पुल करने के लिए काम आता है। पोप थ्री अगर जो डेटा डाउनलोड करता है वो कहाँ करता है, लोकल सर्वर में, जो आपका मेल डाउनलोड कहाँ करेगा, लोकल सर्वर के अंदर। और ये सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी नहीं देता है, ध्यान रखना। ये क्या करता है, मेल जो डाउनलोड करता है लोकल कंप्यूटर है आपका, लोकल कंप्यूटर के डाउनलोड करता है और सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी नहीं देता। जबकि आईमैप है वो क्या करता है, आपका जो मेल है वो सर्वर के ऊपर ही रखता है, क्या रखता है, सर्वर के ऊपर, चाहे जितनी बार उसको आप एक्सेस कर सकते हो ओके। और ये क्या करता है, सिंक्रोनाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन, आपका आईमैप ठीक है। ये दोनों के अंदर डिफरेंस ध्यान रखना, पुश पॉप एमआईएमई और आईमैप, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है ओके। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे उनके बारे में हमने बात कर ली है, मेरे ख्याल से सारी चीज़ें हमने कवर कर ली इसके अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। बाकी जो भी मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा उसके अंदर हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चंस मैराथन ओके। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा कौन सा है, नेटवर्क सिक्योरिटी, क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई पैकेट या मैसेज भेजते हैं, किसके ऊपर भेजते हैं, इंटरनेट के ऊपर, कहाँ भेजते हैं, इंटरनेट के ऊपर। और जैसे मान लीजिए ए, ए क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सेंडर है ना, और मैसेज भेज रहे हैं किसी बी के ऊपर, तो किसी भी जगह लोकेशन के अंदर हो सकता है, लोकल नेटवर्क के अंदर हो सकता है, नॉन लोकल नेटवर्क के अंदर हो सकता है ओके। तो मान लीजिए ये है आपका इंटरनेट। तो देखिए ड्यूरिंग द मैसेज ट्रैवल वो क्या करता है, बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे होस्ट से होके गुजरता है, खैर बहुत सारे नेटवर्क से होके गुजरता है आपका मैसेज, और बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे आपके राउटर्स होते हैं। तो हो सकता है इस यहाँ बीच में गुजरने के दौरान कोई ऐसे पर्संस भी हो सकते हैं जो आपके मैसेज को क्या कर सकते हैं, ट्रेसपास कर सकते हैं, या उसके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, या उसके मैसेज को
पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या करें हो, आपके बैंक के आईडी पासवर्ड का यूज़ करें, हो सकता है बीच में कोई ऐसा हो जो उस मैसेज को चुरा रहा हो, उसका गलत तरीके से यूज़ कर रहा हो। ओके, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है किसका आता है, आपका नेटवर्क सिक्योरिटी का। किसका आता है, आपके नेटवर्क सिक्योरिटी का। भाई मेन इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो डेटा है, वो हमेशा क्या रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए। ऑब्वियस बात है ना, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं और लीक नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कुछ गोल्स बनाए गए हैं जो जो भी इनकी पॉलिसी बनाते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की। ओके, ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने कुछ गोल्स बनाए गए, वो गोल्स देखिए कौन कौन से, सिक्योरिटी गोल। ओके, तो गोल्स कौन कौन से, उसको हम क्या बोल सकते हैं, CIA, क्या बोल सकते हैं, CIA शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, आपका जो मैसेज है वो क्या रहना चाहिए, प्राइवेसी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने मैसेज भेजा पब्लिक नेटवर्क के अंदर और हर कोई उसको पढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डेटा कैन बी विजिबल ओनली टू द सेंडर एंड रिसीवर, डेटा कैन बी विजिबल टू ओनली सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है ना। तो ये आपका नेटवर्क है और यहाँ पे कि मैसेज भेज रहे हो आप M1, ये आपका सेंडर, और यहाँ पे ये मैसेज जाएगा किसके पास, आपके रिसीवर के पास। तो यहाँ से जब ये डेटा जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि बीच में कोई व्यक्ति उस मैसेज को क्या कर रहा है, देख रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पढ़ नहीं पा रहा हो, है ना। तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट गोल जो हमारा क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी का। भाई हमारा जो मैसेज है वो कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। ओके, फर्स्ट कौन सा है गोल हमारा, कॉन्फिडेंशियलिटी का। सेकेंड कौन सा है हमारा, इंटीग्रिटी का। सेकेंड जो गोल है हमारा इंटीग्रिटी, सेकेंड गोल कौन सा है हमारा, इंटीग्रिटी गोल है, इंटीग्रिटी मेंटेन करना। इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, जो ओरिजिनल डेटा भेजा गया है सेंडर द्वारा वो ही रिसीवर को मिले, इसका मतलब ये है। देखिए मैं ये बता देता हूँ, मान लीजिए इन्होंने मैसेज भेजा M1, तो यहाँ पे मैसेज कौन सा प्राप्त होना चाहिए, M1 ये प्राप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैसेज मॉडिफाई होके M2 प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी शुड बी मेंटेन, गेटिंग ओरिजिनल मैसेज, गेटिंग ओरिजिनल मैसेज, ध्यान रखना मैसेज है जो आपका ओरिजिनल मैसेज ही मिलना चाहिए। तो फर्स्ट आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड है आपका इंटीग्रिटी, थर्ड कौन सा है आपका, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए जैसे सेंडर है ना, ये सेंडर है और ये मान लीजिए क्लाइंट है, और वो क्या करना चाहता है, सर्वर को एक्सेस करना चाहता है ना। तो क्लाइंट, सर्वर हमेशा क्लाइंट को रिक्वेस्ट देने के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। ये जो सर्वर है हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ऐसा नहीं हो कि भाई क्लाइंट कभी मान लीजिए अब नाइट टाइम के अंदर सर्वर को एक्सेस करना चाह रहे हो और सर्वर बोले नहीं अभी मैं आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीन जो इम्पोर्टेंट गोल है वो आपका मेंटेन रहना चाहिए, किसके, सिक्योरिटी गोल के, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है कि विच इज़ नॉट गोल ऑफ CIA, तो यहाँ से आपको क्या कर दिया जाएगा, तीन दे दिए जाएंगे, चौथा कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। तो ध्यान रखना सिक्योरिटी गोल के ऑप्शन कौन कौन से, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और आपके कौन से हो गई, अवेलेबिलिटी। तो इसी के टर्म्स के अंदर और फर्दर थोड़ा हम चलते हैं आगे की ओर, और क्या क्या इम्पोर्टेंट इसके कॉन्सेप्ट्स है सिक्योरिटी के हम समझने की करते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर कौन कौन सा, देखिए सबसे पहला है आपका ऑथेंटिकेशन। क्या है आपका, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन ऑफ यूजर और ऑथेंटिकेशन ऑफ
डेटा, ऑथेंटिकेशन ऑफ यूज़र और ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, मान लीजिए क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको, सर्वर को, तो ये जो रिक्वेस्ट है वो सही सर्वर को जानी चाहिए, ओके, और सर्वर जो वापस उसको रेस्पॉन्स देगा वो सही क्लाइंट को जानी चाहिए, ओके। ऑथेंटिकेशन मतलब सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक सही यूज़र द्वारा आ रही है, और सर्वर जो रिक्वेस्ट के अंदर जो डेटा मांगा है वो भी आपके ऑथेंटिकेट होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, ऑथेंटिकेशन यूज़र द्वारा और डेटा द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नॉन रिप्यूटेशन, क्या है नॉन रिप्यूटेशन, नॉन रिप्यूटेशन। नॉन रिप्यूटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आप, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को और सर्वर ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई नहीं अभी मैं नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्वर कांट डिनाइल ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की और सर्वर उसको डिनाई कर दे, मना कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन रिप्यूटेशन। देखिए ये छोटी छोटी टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, क्या है मोस्टली ये टर्म्स इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको टर्म्स के बारे में पता है तो आप आंसर लगा दोगे, अगर आपको टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई इसको कैसे सोल्व करना है, ओके। तो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। फिर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं यहाँ पे सिक्योरिटी के कंसर्न के अंदर, तो किस किस तरीके से अटैक्स हो सकते हैं, यहाँ लिखिए आप फर्स्ट इंटरप्शन, क्या हो जाएगी इंटरप्शन, इसकी जो सब टर्म है वो लिखिए अटैक्स ऑन अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के ऊपर अटैक करना, उसे हम क्या बोलते हैं इंटरप्शन। फिर क्या हो गया आपका इंटरसेप्शन, क्या हो गया आपके इंटरसेप्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो मैं आपको लिखा लेता हूँ और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटरप्शन का मतलब क्या है अटैक ऑन अवेलेबिलिटी, इंटरसेप्शन का मतलब अटैक्स ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। फिर क्या हो जाएगा आपका मॉडिफिकेशन, क्या हो जाएगा आपके मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हो गया अटैक ऑन इंटीग्रिटी, अटैक ऑन इंटीग्रिटी, अटैक ऑन इंटीग्रिटी किसका मतलब हुआ, मॉडिफिकेशन का मतलब, ओके। देखिए नेक्स्ट फैब्रिकेशन, क्या हो गया आपके फैब्रिकेशन, ये क्वेश्चन आया भी था शायद सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर या बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर, अटैक ऑन ऑथेंटिसिटी, अटैक ऑन ऑथेंटिसिटी। तो देखिए मैं ऐसे क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, इसका रीज़न ये है कि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना कि इंटरप्शन का मतलब क्या है, और आपको चार यहाँ से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको याद होना चाहिए इंटरप्शन का मतलब अवेलेबिलिटी, और इंटरसेप्शन का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, मॉडिफिकेशन का मतलब है इंटीग्रिटी, और फेब्रिकेशन का मतलब है ऑथेंटिसिटी। तो आप जिस तरीके से भी याद रख सकते हो आपको याद रखना पड़ेगा ये, ओके। इंटरप्शन अवेलेबिलिटी और इंटरसेप्शन कॉन्फिडेंशियलिटी, मॉडिफिकेशन इंटेग्रिटी, और फेब्रिकेशन क्या हो जाएगा आपका ऑथेंटिसिटी। तो इस तरीके से आपको ये चारों याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर एग्जाम के अंदर, ओके। तो हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी का, तो देखिए कोई लिखना चाहे तो लिख लीजिए एक बार इसको, हम
चलिए इसी के अंदर अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो देखिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिप्टोग्राफी। क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिप्टोग्राफी। तो देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आप लर्न कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टर्म्स इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको टर्म्स लिखा रहा हूँ, है ना। तो देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर कुछ टर्म्स होती है वो लिख लीजिए आप, प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया आपका, एक्चुअल मैसेज, एक्चुअल मैसेज। सिफर टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, कन्वर्टेड मैसेज। ओके, और एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट टू सिफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट जो करते हैं उसका क्या नाम है, एनक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, डिक्रिप्शन। क्या बोलेंगे हम, डिक्रिप्शन। तो हम यहाँ पे क्या पढ़े, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स, क्रिप्टोग्राफी के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या हो गया, हमारे डेटा को हम किस तरीके से सिक्योर करें। ओके, क्रिप्टोग्राफी इज अ मेथड ऑफ सॉर्टिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सो दैट ओनली दोज फॉर हुम इट इज इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस इट। जिसके लिए बना है वो ही उसको रीड कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है। तो देखिए सारी चीज़ें कैसे होती है, ये आपका क्या है, एक प्लेन टेक्स्ट। ओके, और प्लेन टेक्स्ट को क्या कर सकते हो आप, एनक्रिप्ट, एनक्रिप्शन। जब आप प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आपके साइफर टेक्स्ट के ऊपर। ओके, और फिर वो साइफर टेक्स्ट कहाँ भेज दिया जाएगा, आपका नेटवर्क के ऊपर। फिर वो क्या हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट वापस जाएगा और इसको क्या किया जाएगा, डिक्रिप्शन। और वापस हमें क्या मिल जाएगा, हमारा प्लेन टेक्स्ट। इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो यूज़र था सेंडर, उसने अपना डेटा किस में बनाएगा, वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर ही बनाएगा। ओके, और वो कन्वर्ट हो गया सिफर टेक्स्ट के अंदर, नेटवर्क के ऊपर गया। और यहाँ पे जो प्लेन वापस डेटा है सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे कोई रिसीवर है, ओके, वो उसको आराम से पढ़ सकता है। हमने इसको सिफर टेक्स्ट के अंदर क्यों चेंज किया, ताकि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति हो तो उस डेटा को पढ़ नहीं सके। ओके, तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। इस तरह के व्यक्ति क्या बोलते हैं, इंट्रूडर। तो ये इंट्रूडर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से आपके, एक तो पेसिव अटैकर और कौन से आते हैं आपके, एक्टिव अटैकर, एक्टिव अटैकर। अब ऐसे बोल सकते हो जो आपके अटैक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पेसिव अटैक और एक्टिव अटैक, पेसिव अटैक और आपके एक्टिव अटैक। तो यहाँ पे अटैक के कुछ टाइप है वो आप देख लीजिए। पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक का मतलब क्या होता है, पैसिव अटैक का मतलब ये होता है कि जो आपका अटैकर है वो डेटा को क्या कर सकता है, सिर्फ देख सकता है पर उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकता है। जो पैसिव अटैक का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख लेता हूँ, इंट्रूडर कैन ओनली सी डेटा बट कांट चेंज इट। और एक्टिव अटैक का मतलब क्या होता है, इंट्रूडर कैन सी एंड मॉडिफाई डेटा। वो डेटा को सी भी सकता है, देख भी सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। समझ में आ रही ना बात आपको। तो देखिए बीच के अंदर इंट्रूडर हो सकता है, इंट्रूडर का मतलब जो आपके मेलिशियस भावना रखता है, दुर्भावना रखता है आपके मैसेज को रीड करने की या चेंज करने की। वो दो तरह के होते हैं, एक तो पैसिव और एक्टिव अटैक। एक पैसिव अटैक का मतलब जो सिर्फ आपको डेटा को देख सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। ओके, और एक्टिव अटैक का मतलब जो डेटा देख भी सकता है और चेंज भी कर सकता है।
समझ में आ रही बात? ए ने भेजा बी को लव लेटर, ओके, और इसने क्या किया, उसके अंदर लव लेटर भेजा, पर क्या हो गया, जो सी है उसने क्या कर दिया, उस लव लेटर को पढ़ लिया। तो अब इसको भी पता चल गया ना, ए ने बी को भेजा। एक्टिव अटैक का मतलब क्या हो गया, ए ने बी को भेजा लव लेटर, ठीक है ना, और सी क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, और सी ने क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। ए ने पहले भेजा था मतलब 3 मैजिकल वर्ड्स, ओके, और इसने क्या कर दिया, सी ने उस मैजिकल वर्ड्स को चेंज कर दिया, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव अटैक। कोई भी मैसेज है, कॉन्फिडेंशियल है, वो चेंज कर दिया गया। चलिए अब आप देखिए एक्टिव अटैक कितने तरह के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए पैसिव अटैक कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर जो देखिए होता है आपके फर्स्ट रिलीज ऑफ द मैसेज कंटेंट्स, और दूसरा होता है आपका ट्रैफिक एनालिसिस। ये आपको ध्यान रखना है सब हेडिंग बस, ओके। वो जो एक्टिव अटैक होते हैं आपके, वो देखिए कौन कौन सा है, मास्करेड, फिर उसके बाद होता है आपका रिप्ले, फिर होता है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, और होता है आपके पास डिनाइल ऑफ सर्विसेज, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये 2, 3 और 4, 4 तरह के होते हैं आपके पास, है ना। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ था, आया हुआ है कि पैसिव अटैक कौन कौन से, रिलीज ऑफ द मैसेज कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस, एक्टिव अटैक कौन से, मास्करेड, रिप्ले, मॉडिफिकेशन मैसेज और डिनाइल ऑफ मैसेज। ध्यान रखना, मास्करेड, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज और डिनाइल ऑफ सर्विसेज। ये आपके किस तरीके के हैं, एक्टिव अटैक। कौन से अटैक है आपके, ये एक्टिव अटैक है, ओके। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में देखिए हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो हम और फर्दर देख लेते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है वो आपके कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, ठीक है। जो आपकी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक होती है वो आपके कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक आपके 2 तरह की होती है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। बताइए सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के अंदर क्या डिफरेंस है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है, सेम की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो यह मैं लिख लेता हूँ, ये होती है हमारे पास सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सेम की इज यूज फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज करना क्या कहलाता है आपका, सिमेट्रिक की। और असिमेट्रिक की का मतलब क्या है, डिफरेंट की का यूज करना, यूज डिफरेंट की फॉर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग की का यूज करना। तो अलग अलग की कौन सी होगी, यहाँ पे पब्लिक की और कौन सी होगी आपकी, प्राइवेट की। ध्यान रखना पब्लिक की और प्राइवेट की। अब सर इनके एग्जाम्पल कौन कौन से आप बता सकते हैं क्या, तो देखिए एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल से मैं लेके आया हूँ, वो आप याद कर लीजिए। यूजीसी नेट के अंदर तो ये बहुत इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं ना।
तो मैं ये टेबल लेके आया हूँ, आप फटाफट इसके अंदर याद कर लीजिए। फर्स्ट वाली है हमारी सिमेट्री की, फर्स्ट है डेटा इनक्रिप्शन अल्गोरिथम, डेटा इनक्रिप्शन अल्गोरिथम, ये होती है आपकी DES। ये सारे सिमेट्री के अंडर है ना। फिर सेकेंड इसके अंदर हो जाएगा एडवांस डेटा इनक्रिप्शन, एडवांस इनक्रिप्शन अल्गोरिथम है ना, इनक्रिप्शन एल्गोरिथम, इसको हम बोलते हैं AES। फिर थर्ड हो गया आपका ब्लोफिश, फिर हो गया आपका DDDES, फिर फोर्थ हो गया आपके टू फिश। ओके, देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसके ऊपर बना गया है कंटेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है ना, याद करके जाना है। DES, AES, ब्लोफिश, DDDES, टू फिश। और असिमेट्री की अगर बात करूं तो असिमेट्री के अंदर जो आपका फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी, एलिप्टिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी। फिर हो जाएगी आपके RSA, फिर ये हो जाएगी आपके DeFi, हेलमैन की एक्सचेंज, DeFi हेलमैन की एक्सचेंज। फिर हो जाएगी आपके DSA, फिर हो जाएगी आपके डिजिटल सिग्नेचर अल्गोरिथम। ओके, और फिर हो जाएगी आपके EIGML। देखिए याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें यहाँ से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिए। DES, AES, ब्लोफिश का भी क्वेश्चन देखा हुआ मैंने, फिर यहाँ पे RSA, DeFi हेलमैन, DSA, ओके, और ये डिजिटल सिग्नेचर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अलग अलग की का यूज़ करते हैं। तो जो लेफ्ट साइड के अंदर है वो किसका यूज़ करते हैं, सिमेट्रिक की, और ये राइट साइड के अंदर वो किसका यूज़ करते हैं, असिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की और असिमेट्रिक की का यूज़ करते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और आपको क्या करना है, इनको याद करना है इसी कैटेगरी के अंदर। देखिए समझने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको सब शॉर्ट के अंदर करवा रहा हूँ, है ना। और इसके अंदर जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर भी, पर जो कम समय के अंदर मैं भी आपको चीज़ें करा सकता हूँ वो कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप उसको याद करके जाए तो आपके क्वेश्चन कहीं नहीं जाए। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, श्योर है। अभी तक मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर से पढ़ाया ना, वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने वाला है ना। फिर और देख लीजिए यहाँ पे आप इनकी जो साइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, किससे रिलेटेड, साइज। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ DES, ओके, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज क्या रहने वाली है, इनकी की क्या रहने वाली है, और कितने राउंड का ये यूज करते हैं। ओके, AES, सेकंड क्या हो गया, 3DES, जो अपन DDDES की बात कर रहे थे अभी सिमेट्रिक की के अंदर, क्या जाएगा आपका AES और आइडिया, आइडिया। तो देखिए ब्लॉक साइज ये होती है आपकी 64, की होती है इसकी 56, राउंड होते हैं इसके 16। 3DS की ब्लॉक साइज भी होती है 64, इसकी की होती है 56 और राउंड भी होते हैं 16, ठीक है। AES की आपकी जो ब्लॉक साइज होती है वो होती है आपकी 128, ये ध्यान रखना, AES की होती है 128
192 और 256, 128, 192 और 256, और इसके जो राउंड होते हैं वो 10, 12 और 14 होते हैं। आइडिया की जो की ब्लॉक साइज होती है 64 और इसकी की होती है 128, 64 और क्या हो गई आपकी 128, ठीक है। ये आइडिया कौन सी की के अंदर आता है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, बताइए मेरे को। आइडिया जो आता है आपका सिमेट्रिक के अंदर आता है, तो यहाँ पे एक और नोट कर दीजिए, शायद स्किप हो गया है मुझसे, यहाँ लिख लीजिए आप 6 आइडिया IDEA, ओके। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और की कॉम्बिनेशन आप लिख लीजिए, MDSHA और MD5, है ना, ये कॉम्बिनेशन भी आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार, बस इन दोनों कॉम्बिनेशन को याद रखिए, ये दोनों साथ में यूज किए जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए ये जो अब मैंने अभी आपको टेबल बनाई है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। पूछा जाएगा कि DS की ब्लॉक साइज क्या है, ऑप्शन मिलेंगे आपको 54, 56, 128, 192, आपको पूछ लेंगे इसकी की साइज क्या है, ओके। मोस्टली तो इसके अंदर ब्लॉक साइज और की पूछा जाता है, राउंड नाम ना के बराबर पूछा जाता है, फिर भी हमने लिख लिया एक्स्ट्रा साइड के लिए, तो ओके। तो देखिए काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली आज नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर, और ये सारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहीं से ही मिलने वाले हैं। हमने सिक्योरिटी गोल्स देख लिए, सिक्योरिटी सर्विसेज देख ली, अटैक्स देख लिए, फिर क्रिप्टोग्राफी देख ली, ओके। इसके अलावा हमने पैसिव अटैक, एक्टिव अटैक देखे, फिर इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है उसके बारे में देखा, फिर जो क्रिप्टोग्राफी है वो दो तरीके है, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, फिर सिमेट्रिक के अंदर किस किस तरह की एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है वो हमने देखा, और इनके साइजेस के बारे में हमने इस टेबल को पढ़ा है, ओके। तो ये था आपके नेटवर्क सिक्योरिटी का पोर्शन, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड, क्या होती है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड, ओके। तो उम्मीद है ये वीडियोस आप रेगुलर देख रहे होंगे, और आपको PDF भी मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, टेलीग्राम चैनल के अंदर, इसकी PDF अपलोड हो रही है टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अभी हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या चालू करनी है उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। वैसे मैं आपके पोलिंग ले लूँगा आज मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन के अंदर ऑल दबाना ना भूलें, ओके। चलिए अभी तक साथ में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।